अब टॉपिक है धारा घनत्व। बच्चों कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या है? धारा घनत्व। देखो बेटा, इससे पहले मैं एक छोटे से टॉपिक पर आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। एक टॉपिक हमने पढ़ रखा है कक्षा 8, 9, 10, 11 में पढ़ लेते हैं सामाजिक विज्ञान के अंदर, वह होता है जनसंख्या घनत्व। क्या होता है बेटा? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? इकाई क्षेत्रफल में एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, एक वर्ग किलोमीटर में या इकाई वर्ग किलोमीटर में या इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या, तो बटे में तो क्या आ जाता है? क्षेत्रफल। बटे में क्या आ गया? क्षेत्रफल। और रहने वाले लोगों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या या जनसंख्या, ऊपर क्या आ गया अपने पास? जनसंख्या। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? इकाई क्षेत्रफल में रहने वाली जनसंख्या, तो उस जनसंख्या इकाई क्षेत्रफल में रहती है उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। अब मैं कौन से घनत्व की बात कर रहा हूं? धारा घनत्व की। कौन से घनत्व की बात कर रहा हूं? धारा घनत्व की। तो देखो बेटा, घनत्व तो घनत्व हो गया, जनसंख्या को रिप्लेस किससे कर दिया? धारा को। तो क्या हो गया ऊपर अपने पास का मान? धारा बटे क्षेत्रफल। याद करने का सीधा तरीका है, वहीं से मान निकाल दिया गया, धारा बटे क्षेत्रफल क्या हो गया? धारा घनत्व। क्या हो गया बेटा? धारा घनत्व। तो इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं? परिभाषा दे सकते हैं कि इकाई क्षेत्रफल में, कैसे क्षेत्रफल में? इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा की मात्रा। इकाई क्षेत्रफल में कैसी मात्रा बेटा? प्रवाहित धारा की मात्रा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व। तो इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा की मात्रा क्या कहलाएगी? धारा घनत्व। अब इस परिभाषा को हम थोड़ा सा और भी अच्छे से बना सकते हैं। और अच्छे से कैसे बना सकते हैं? इकाई क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कौन सा लेंगे? कोई भी एक चालक तार लेके चले बेटा, कोई भी क्या लेके चले? चालक तार। तो चालक तार में जैसे सपोज दैट ये चालक तार लेके चल रहा हूं, तो इसका क्षेत्रफल ये वाला ऊपर वाला लिया जाएगा, यानी कि चालक तार का क्षेत्रफल कौन सा लिया जाता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को कैसे लिया जा रहा है? इकाई रूप में। तो यही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसे लिया जाएगा? इकाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिया जाएगा। क्षेत्रफल कौन सा लिया जाएगा? इकाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जिसमें एक चालक तार कह के चलू, ये पूरा एक चालक तार मान के चल रहा हूं, क्षेत्रफल कौन सा लिया जाएगा? ये वाला। और ये कौन सा क्षेत्रफल कहलाता है इसका बेटा? अनुप्रस्थ काट। ये कौन सा काट क्षेत्रफल कहलाता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल का मान कितना होना चाहिए? एक। तो क्या लिख देंगे? इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो गया ये, इसमें प्रवाहित धारा की मात्रा। और धारा कैसे प्रवाहित होगी? इस प्रकार से, या तो इधर धारा जाएगी या इधर से धारा आएगी। तो इन दोनों के बिटवीन एंगल कितना बन रहा है? कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत। अच्छी भाषा रहेगी, इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित धारा की मात्रा को। इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित धारा की मात्रा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? धारा घनत्व कहते हैं। अब मैं यहां और थोड़ा सा स्पेसिफाइड करूं इसको, और थोड़ा सा डीपली चलें, तो किस किस प्रकार से मान आएंगे, कैसे नहीं आएंगे वो देखते हैं। देखो यहां, तो धारा घनत्व की परिभाषा सीधा से हो चुकी है, थ्योरेटिकली या परिभाषिकली इस पर बात करके चलें, तो परिभाषा क्या हो जाएगी? इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहते हैं। या सीधा कह सकते हैं, सीधी से परिभाषा लिखना चाहे तो, इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा की मात्रा को, इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा की मात्रा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व। तो धारा घनत्व हो गया, बटे में तो क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल में प्रवाहित किसकी मात्रा को बेटा? धारा की मात्रा। अब सामान्यतः धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है बेटा? जे से। तो जे बराबर धारा को क्या लिखते हैं? आई। और क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं? ए। धारा को क्या लिखते हैं? आई। और क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं? ए। तो जे बराबर क्या हो गया? आई बटे ए। चूंकि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, तो धारा घनत्व कैसी राशि हो जाएगी? एक सदिश राशि। कैसी राशि हो जाएगी? सदिश राशि।
तो यहां पे धारा घनत्व का मान निकाले तो क्या हो जाएगा आई बटे ए। मात्रक निकाल के चलें तो जे का मात्रक ऊपर तो किसका हो जाएगा बेटा आई का मात्रक बटे नीचे किसका हो जाएगा ए का मात्रक। आई आई क्या होती है विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर। और नीचे क्या हो गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर का स्क्वायर या वर्ग मीटर, तो इसका मात्रक क्या आ गया एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। मात्रक क्या हो गया बेटा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो यह किसका मान होता है धारा घनत्व का मान, किसका मान होता है बेटा धारा घनत्व का मान। तो धारा घनत्व को परिभाषित तरीके से कैसे लिख सकते हैं, धारा घनत्व क्या होता है सबसे पहले परिभाषा में इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा की मात्रा को, कैसे क्षेत्रफल में बेटा इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा की मात्रा को क्या कहते हैं धारा घनत्व कहते हैं। और इसका जो मान लिखना चाहें तो मान क्या हो जाएगा धारा बटे क्षेत्रफल। धारा को आई से डिनोट करते हैं, क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं। क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है तो धारा घनत्व कैसी राशि हो गया सदिश राशि। और यहीं से इसका मात्रक निकाले तो मात्रक क्या आता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब इस परिभाषा को और भी अच्छे तरीके से कैसे लिखा जाए, आपको बताया कि यह कोई चालक तार लिया जाए। अब चालक तार में यह जो क्षेत्रफल होता है यह कौन सा क्षेत्रफल होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यह कौन सा क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। और प्रवाहित धारा कैसे रहेगी ऐसे और क्षेत्रफल कैसे रहेगा ऐसे, दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का, समकोण होते हैं एक दूसरे के बीच में। तो क्या लिख सकते हैं इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत, इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहते हैं। और सामान्यतः किससे प्रदर्शित करते हैं इसे जे से। कैसी राशि होती है ये एक सदिश राशि होती है। अब इसमें भी नोट दिखाता हूं बेटा, तीन नोट यहां पर भी आएंगे। नंबर एक, यह एक कैसी राशि होती है सदिश राशि होती है, यह कैसी राशि है सदिश राशि है या सदिश राशि होती है। नंबर दो, नंबर दो यहां पे लिख सकते हैं इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एक तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, एक मात्रक और बना सकते हैं इसका एम्पियर क्या होता है कूलम प्रति सेकेंड। एम्पियर की जगह क्या लिख सकते हैं कूलम प्रति सेकेंड और बटे में क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो जाता है कूलम प्रति सेकेंड मीटर स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर या क्या लिख सकते हैं कूलम प्रति सेकेंड मीटर स्क्वायर। और तीसरा, तीसरा क्या है देखो बेटा ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात, ये कोई एक चालक तार है, इसका चालक तार का क्षेत्रफल असमान है, यहां पर क्षेत्रफल ज्यादा है धीरे धीरे यहां कम हो गया फिर से ज्यादा हो गया, यानी कि जो चालक तार लिया है ये असमान क्षेत्रफल वाला चालक तार है। कैसा चालक तार है असमान क्षेत्रफल वाला चालक तार। तो इस असमान क्षेत्रफल वाले चालक तार में प्रवाहित धारा की मात्रा तो समान रहती है, प्रवाहित धारा की मात्रा कैसी रहती है एक समान रहती है, यानी कि जब असमान क्षेत्रफल वाला चालक तार लिया जाए तो उसमें प्रवाहित धारा की मात्रा कैसी रहेगी एक समान, लेकिन धारा घनत्व का मान अलग अलग रहता है। क्यों, क्योंकि धारा घनत्व डिपेंड करता है किसके ऊपर क्षेत्रफल के ऊपर। जहां पर क्षेत्रफल कम होगा वहां का धारा घनत्व ज्यादा हो जाएगा और जहां का क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहां का धारा घनत्व कम हो जाएगा। तो तीन नोट यहां पर बताए गए, नंबर एक धारा घनत्व कैसी राशि होती है एक सदिश राशि होती है, नंबर दो जो इसका मात्रक होता है धारा घनत्व का वो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर या कूलम प्रति सेकेंड मीटर स्क्वायर होता है, और तीसरा असमान क्षेत्रफल के चालक तार में असमान परिच्छेद्र वाले चालक तार में प्रवाहित धारा की मात्रा तो कैसी होती है समान होती है लेकिन धारा घनत्व का मान क्षेत्रफल के अनुसार अलग अलग प्राप्त होता है। धारा घनत्व का मान कैसा आएगा असमान क्षेत्रफल वाले चालक तार में अलग अलग प्राप्त होता है। ठीक बेटा, यह अपने पास धारा घनत्व हो।